मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत आज जिला स्तरीय विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की प्रभारी एवं महिला बाल विकास मंत्री अनिला बेड़िया ने शिरकत की और सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अब कांग्रेस सरकार ने इस योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है, इससे अब निर्धन और गरीब ही नहीं होशियार युवक युवती भी इस विवाह कार्यक्रम का लाभ लेने लगे हैं। उन्होंने जिले में स्थापित सखी सेंटर का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान भी किया। इस दौरान विधायक अंतागढ़ अनूप जिला पंचायत अध्यक्ष सुभद्रा सलाम व ब्लॉक कांग्रेस विधानसभा युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस पूरे आयोजन में भाजपा का एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित नहीं था। जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सांसद विक्रम उसेंडी को प्रशासन भूल गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष नरोत्तम सिंह चौहान ने उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उद्देश्य तो वही है कि फिजूल खर्ची रोकने के लिए शासन ने ये प्रयास किया है और बहुत से परिस्थिति, क्योंकि हमारा राज्य ही ऐसा है कि 70% यहाँ किसान, 60% किसान यहाँ निवास करते हैं, उनकी स्थिति से आज पूरा प्रदेश वाकिफ है। अच्छा, बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ कई केंद्रों में अभी भी बिजली नहीं लगी, इसके लिए क्या होगा? इनके लिए भी हमारी प्रयास चल रही है। अभी जो बजट में इस समय वित्तीय बजट में रखे हैं, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनकी व्यवस्था करा रहे हैं। इस योजना से कितने कितने जोड़े को लाभ मिला? 185 जोड़ा यहाँ पे लाभान्वित हुए।